हेलो गाइस, आपका स्वागत है इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप वर्चुअल बॉक्स में खाली लिनक्स को किस तरीके से इंस्टॉल कर सकते हो। पिछले वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया था कि वर्चुअल बॉक्स क्या होता है और उसके फीचर्स वगैरह मैंने बताए थे। इस वीडियो में हम वर्चुअल बॉक्स को भी इंस्टॉल करेंगे और उसके साथ साथ वर्चुअल बॉक्स में हम खाली लिनक्स को इंस्टॉल करेंगे। तो सभी जो प्रोसेस है आपको इस वीडियो में देखने को मिलने वाला है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, और वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना वीडियो को, और दोस्तों के साथ भी शेयर करना जिनको लिनक्स इंस्टॉल करना है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने ब्राउज़र को ओपन कर लेना है और वहाँ से आपको पहले खाली लिनक्स इंस्टॉल करना है। तो वो बड़ी फाइल है तो इसलिए हम उसको पहले डाउनलोड के लिए लगा देंगे। तो आपने डाल दो खाली लिनक्स डाउनलोड, उसके बाद आपको यहाँ पे आएगा गेट खाली लिनक्स। तो अभी इसमें आपको बहुत सारे से प्लेटफॉर्म मिलेंगे अलग अलग चूज़ करने के लिए। जैसे आप वर्चुअल मशीन के लिए अलग मिलेगा आपको, अगर आपको पूरा सिस्टम ड्यूअल बूट के साथ या सिर्फ आपको उसी सिस्टम को इंस्टॉल करवाना है तो उसके लिए ये बेयर मेटल मिलेगा आपको, वो आप यूज़ कर सकते हो। ARM मिलता है, उसके बाद मोबाइल है, उसके बाद क्लाउड है, ये अलग अलग आपको ऑप्शन मिल जाते हैं। लाइव बूट का ऑप्शन है, WSL है, कंटेनर से है, अलग अलग आपके हिसाब से आप अपने डाउनलोड कर सकते हो। लेकिन अगर आप नए हो, बिगिनर हो, तो आप यहाँ पे वर्चुअल बॉक्स के लिए यूज़ कर रहे हो तो वर्चुअल बॉक्स के लिए ये रिकमेंडेड है। तो इसको यहाँ पे आप क्लिक करिए, ये नीचे आ जाएगा और यहाँ पे आपको 32/64 bit, तो 64 bit ही डाउनलोड कीजिए। आपको अगर लो लेना है तो आप 32 ले सकते हो, लेकिन अभी 64 का ज़माना चल रहा है तो 64 लीजिए। उसके बाद यहाँ पे VMware और वर्चुअल बॉक्स, तो VMware भी एक सेम टूल है वर्चुअल बॉक्स की तरह, शायद इसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊँगा जल्दी। तो अभी हम वर्चुअल बॉक्स के लिए ले रहे हैं, तो यहाँ पे 64 लिखा है, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो, नहीं तो टॉरेंट ले सकते हो। डाउनलोड में आपको टाइम लगेगा क्योंकि सर्वर बहुत स्लो है, तो आप टॉरेंट का यूज़ कीजिए, टॉरेंट से फटाफट डाउनलोड हो जाता है। आप टॉरेंट के लिए आप कहीं पर भी ढूंढ सकते हो, एकदम सिंपल सा प्रोसेस होता है। यू टॉरेंट, बिट टॉरेंट जैसे सॉफ्टवेयर होते हैं उनका यूज़ करके आप टॉरेंट को डाउनलोड कर सकते हो, वो भी एकदम फास्टली, जितना आपका स्पीड होगा उसी स्पीड में वो डाउनलोड हो जाएगा। तो वर्चुअल बॉक्स के लिए आपको ये डाउनलोड कर लेनी फाइल, उसके बाद आपको वर्चुअल बॉक्स भी डाउनलोड के लिए लगा देना है। आप ये स्टेप जो है वो पीछे भी ले सकते हो, चाहे तो आप वर्चुअल बॉक्स पहले डाउनलोड इंस्टॉल कर ले सकते हो, उसके बाद वो अपनी खाली लिनक्स की फाइल डाउनलोड कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन वो बड़ी फाइल है इसलिए आप पहले उसे डाउनलोड कर लीजिए, उसके बाद ये आराम से आप कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं वर्चुअल बॉक्स डाउनलोड मैंने लिख दिया, यहाँ से आ गया डाउनलोड्स ओरेकल VM वर्चुअल बॉक्स, ये ओरेकल की तरफ से आता है वर्चुअल बॉक्स सॉफ्टवेयर। तो इसको हम डाउनलोड के लिए यहाँ से जाएंगे, तो यहाँ पे वर्चुअल बॉक्स की वेबसाइट ओपन हो गई, जिसके अंदर आपको यहाँ पे वर्जन जो अभी चल रहा है फिलहाल 6.1.34। आप अगर फ्यूचर में वेबसाइट पर जा रहे हो तो शायद अलग हो सकता है। तो यहाँ पे विंडोज़ के लिए होस्ट से, यहाँ पे OS X के लिए, लिनक्स के लिए सोलारिस वगैरह ऐसे अलग अलग है। तो आपका विंडोज़ है तो विंडोज़ के लिए लीजिए, लिनक्स है तो लिनक्स के लिए आप वर्चुअल बॉक्स डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ पे विंडोज़ है मेरा, तो विंडोज़ पे मैं क्लिक करता हूँ यहाँ से, और यहाँ पे ये पूछ रहा डाउनलोड के लिए, तो इसको सेव कर लेना है, मैंने ऑलरेडी कर रखा है। तो यहाँ पे मैं उसी फाइल को ओपन कर लेता हूँ, तो यहाँ पे मैंने वर्चुअल बॉक्स सेटअप को ओपन कर लिया है। एकदम सिंपल सेटिंग है, ज़्यादा कुछ आपको करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे नेक्स्ट कर दीजिए, यहाँ पे मेरे पहले से इंस्टॉल है तो मैं यहाँ पे रिपेयर पे क्लिक करके यहाँ पे रिपेयर कर देता हूँ। मेरा पहले से इंस्टॉल है इसकी वजह से रिपेयर दिखा है, आपके लिए डायरेक्टली इंस्टॉलेशन का आ जाएगा प्रोसेस। तो ये कुछ एरर दिख रहा है कि सेटअप विजार्ड कुछ पहले ही कट हो गया, मतलब एंड हो गया। तो पहले से इंस्टॉल है तो मैं इसको छेड़छाड़ नहीं करूँगा, आप इंस्टॉल कर लीजिए, फिनिश कर दीजिए। उसके बाद जब आपकी फाइल डाउनलोड हो जाएगी खाली लिनक्स की, तो आपको क्या करना है, वर्चुअल बॉक्स को ओपन कर लेना है। तो यहाँ पे मैं डालता हूँ वर्चुअल बॉक्स, तो आ जाएगा यहाँ पे आपका ओरेकल VM वर्चुअल बॉक्स, तो इस पर मैं ओपन कर देता हूँ। तो यहाँ पे हमारा वर्चुअल बॉक्स जो ओपन हो गया, और अभी आपको ध्यान से सभी स्टेप्स को फॉलो कर लेना है, क्योंकि ISO फाइल के लिए ये प्रोसेस अलग होता है अगर आप वर्चुअल बॉक्स को यूज़ कर रहे हो ISO इंस्टॉल करने के लिए। और ये जो फाइल हमने डाउनलोड की ये अलग फॉर्मेट की, अलग एक्सटेंशन की है, तो इसका स्टेप अलग है, तो देखते रहिए यहाँ पे। तो यहाँ पे मेरे पास खाली लिनक्स ऑलरेडी है, तो यहाँ पे मैं जाता हूँ टूल्स में और यहाँ पे करूँगा मैं इम्पोर्ट। अगर आप ISO कर रहे हो तो आपको न्यू पे जाना है, ISO के लिए मैं अलग वीडियो भी बनाऊंगा आपके लिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ पे मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ अभी फ़िलहाल, यहाँ से लोकल फाइल सिस्टम में रखना है और यहाँ से हमें वो फाइल सिलेक्ट करनी जो हमने डाउनलोड की है। तो यहाँ पे ये हमारा खाली लिनक्स, ये ऐसा डाउनलोड हो जाएगा आपका, ऐसा आपका फॉर्मेट आ जाएगा, ओपन वर्चुअलाइजेशन फॉर्मेट RCU नाम का आपका फॉर्मेट सेव हो जाएगा उस फाइल का। तो इसको आपको सिलेक्ट करके यहाँ से ओपन कर देना है, यहाँ पे आपका पाथ आ जाएगा पूरा उस फाइल का, अभी आपको नेक्स्ट कर लेना है।
नेक्स्ट करने के बाद आपको इसे कुछ चेंजेस नहीं करने हैं, सिर्फ इंपोर्ट कर देना है। यहाँ से कुछ सॉफ्टवेयर लाइसेंस एग्रीमेंट पूछेगा, तो इसे आपको यहाँ से एग्री करना है। तो ये इंपोर्टिंग जब स्टार्ट हो जाएगा, इसमें आपके 5 से 7 मिनट लग जाएंगे, तो थोड़ा आपको वेट कर लेना है। आपने अभी तक वीडियो देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक भी कर देना। तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे हमारा जो सिस्टम है वो इंपोर्ट हो चुका है। ये हमारा पुराना वाला मैंने जो क्रिएट किया था वो है, और यहाँ पे जिसके आगे वन है ये मेरा है। अगर आप जब आप फर्स्ट टाइम इंस्टॉल करते हो तो यहाँ पे कुछ इस तरीके के आपको देखने को मिल जाएगा नाम। तो इसको मैं करूँगा यहाँ से स्टार्ट। बाकी कुछ चेंजेस नहीं करने आपको, सेटिंग वगैरह में जाके जैसा है वैसा रहने दीजिए। तो इस विंडो में आपका जो काल लिनक्स है वो स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हो दो ऑप्शन से, एडवांस ऑप्शन और काल लिनक्स। तो आप पहला वाला ऑप्शन चूज़ कीजिए। अभी ये लोडिंग इनिशियल रैम डिस्क जब आएगा तो आपको थोड़ा सा वेट कर लेना है। तो फाइनली हमारा काली लिनक्स जो है वो बूट हो चुका है। यहाँ पे आप लोगों देख सकते हो उसका बूट एनिमेशन। तो यहाँ पे आपको लॉगिन के लिए पूछेगा, तो लॉगिन के लिए मैं इसका यूज़र नेम और पासवर्ड जो है काली डालना है आपको, KALI, ये दोनों में भी सेम ही है, और लॉगिन कर दीजिए। ये जो इमेज आपने डाउनलोड की थी काली लिनक्स की वर्चुअल बॉक्स के लिए पहले से इंस्टॉल रहती, मतलब पूरा बूट किया हुआ रहता है उसको, और उसको एक्सपोर्ट करके आपको दिया जाता है। इसकी वजह से आपको पासवर्ड वगैरह वो पूछता है डायरेक्टली, आपको सेटअप करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, वो पहले से ही तैयार आपको मिल जाता है पूरा इमेज फाइल। यहाँ पे हमारा काली लिनक्स जो है वो बूट हो चुका है। इसके अंदर आपके प्रेफरेंस जो आप यूज़ करना चाहते हो आप यूज़ कर सकते हो, क्योंकि इतना मुझे मालूम नहीं इसके बारे में, हैकिंग वगैरह इसमें कुछ होती वगैरह। यहाँ पे आपको फॉरेंसिक्स है, स्निफिंग है, रिवर्स इंजीनियरिंग है, वायरलेस अटैक्स है, ये अलग अलग ऑप्शन है। तो ये नाम तो मुझे पता है, लेकिन इसके अंदर अलग अलग ऐसे कमांड्स होते हैं जो मैंने ढूंढे हैं, लेकिन इतना मुझे अभी तक समझ में नहीं आया। तो उसके आप अपने हिसाब से इसको ट्राई कर सकते हो, अपना जो कुछ यूज़ करना है वो। जो फाइनली हमारा काली लिनक्स है वो इंस्टॉल हो चुका है, सभी जो एकदम वर्किंग है। आप चाहे तो ब्राउज़र वगैरह ट्राई कर सकते हो, उसमें वर्किंग हो जाएगा, क्योंकि आपने वर्चुअल बॉक्स में यूज़ किया है, आपको वर्चुअल बॉक्स में कुछ प्रॉब्लम तो आता नहीं है। आप इंस्टॉल करने के बाद सभी जो है वो एकदम से परफेक्टली वर्किंग चल जाता है। तो कैसा रहा इंस्टॉलेशन आपका वो नीचे कमेंट में बता सकते हो, और आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए। मैं मिलता आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।